एक विशाल जंगल के भीतर बसे हरे भरे जंगल में निबल नाम का एक चूहा रहता था। निबल को पूरे जंगल में मूर्खता के लिए जाना जाता था। अपनी तेज चाल और छोटे आकार के बावजूद वह हमेशा खुद को मुसीबत में डालता था। वह आसानी से चमकदार वस्तुओं से विचलित हो जाता था, आसानी से दूसरे जानवरों के बहकावे में आ जाता था और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत रखता था। एक सुबह निबल जंगल में भाग रहा था। उसकी छोटी सी नाक हिल रही थी क्योंकि वह एक खास तरह की स्वादिष्ट दिखने वाली बेरी की झाड़ी की खुशबू का पीछा कर रहा था जिसे उसने एक दिन पहले देखा था। जब वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था तो उसका ध्यान सिर्फ बेरी पर था, आगे के रास्ते पर नहीं। अचानक उसने खुद को एक बड़ी चमकती हुई झील के किनारे पाया। पानी इतना साफ था कि वह सतह के नीचे आलस से तैरती हुई मछलियों को देख सकता था और सूरज की रोशनी पानी से चकाचौंध पैटर्न में परावर्तित हो रही थी। निबल पहले कभी जंगल के इस हिस्से में नहीं गया था। झील शांत और आकर्षक लग रही थी लेकिन निबल को तैरना नहीं आता था। जब वह सोच रहा था कि कैसे पार किया जाए तो उसकी नजर पानी पर एक शानदार हंस पर पड़ी जो शान से तैर रहा था। हंस के पंख बिल्कुल सफेद थे और वह इतनी शान से चल रहा था कि निबल सिर्फ सपने में ही सोच सकता था। यह हंस कोई और नहीं बल्कि जंगल का सबसे चतुर प्राणी सेरेन था। सेरेन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। दूर दूर से जानवर उससे हर तरह की सलाह लेने आते थे, जैसे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा से लेकर जंगल के खतरों से कैसे बचे। सेरेन दयालु थी और हमेशा मदद करने को तैयार रहती थी, लेकिन उसके पास उन लोगों के लिए बहुत कम धैर्य था जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। हालांकि निबल को सेरेन की बुद्धिमत्ता के बारे में पता नहीं था। वह उसके रूपरंग से इतना मंत्रमुग्ध था कि उसे किसी और चीज के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अपनी मूर्खता में उसने फैसला किया कि अगर वह सेरेन के करीब पहुंच जाए तो वह उसे झील पार करने में मदद कर सकती है। माफ करना मिस स्वान, निबल ने झील के किनारे ऊपर नीचे उछलते हुए जोर से चीख मारी। सेरेन, जो सुबह की शांति और चुप्पी का आनंद ले रही थी, ने अपनी लंबी गर्दन घुमाकर छोटे चूहे को देखा। हाँ, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। क्या तुम मुझे इस झील को पार करने में मदद कर सकते हो? मुझे दूसरी तरफ पहुंचना है, निबल ने पूछा। उसकी छोटी आंखें आशा से भरी हुई थीं। सेरेन ने एक पल के लिए चूहे पर विचार किया। तुम्हें पार करने की क्या जरूरत है? उसने पूछा, यह जानते हुए कि किसी भी कार्य के पीछे के कारणों को समझना महत्वपूर्ण था। ठीक है, निबल ने एक छोटे पंजे से दूसरे पंजे पर चलते हुए कहा। वहां जामुन से भरी एक झाड़ी है और मैं वास्तव में उन्हें खाना चाहता हूं। सेरेन ने मन ही मन आह भरी। चूहा वास्तव में मूर्ख था, एक साधारण भोजन के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा था। लेकिन उसे खारिज करने के बजाय उसने उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। बहुत अच्छा, सेरेन ने कहा, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। निबल ने उत्सुकता से सिर हिलाया, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि सेरेन उससे क्या पूछ सकती है। मैं वादा करता हूं, मैं कुछ भी करूंगा। यह कहते हुए सेरेन शान से किनारे पर तैर गई जहां निबल इंतजार कर रही थी। उसने अपना पंख नीचे कर लिया जिससे चूहा उसकी पीठ पर चढ़ गया। निबल उछल पड़ा, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह पहले कभी इतने शानदार जीव के इतने करीब नहीं था। सेरेन पानी पर सरकने लगी, उसकी हरकतें सहज और स्थिर थीं। निबल ने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसके छोटे छोटे पंजे उसके पंखों को जकड़ रहे थे। जैसे ही वे झील के बीच में पहुंचे, सेरेन अचानक रुक गई। अब उसने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम हिलोगी या आवाज करोगी तो तुम पानी में गिर जाओगी। निबल दूसरी तरफ जाने के अपने अवसरों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने सिर हिलाया और जितना हो सके उतना शांत बैठा रहा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या हुआ अगर कुछ हुआ? क्या हुआ अगर सेरेन ने अपना मन बदल लिया?
क्या हुआ अगर वहां पहुंचने का कोई तेज तरीका था। उसके विचार घूमने लगे और अपने वादे के बावजूद वह बेचैन होने से खुद को नहीं रोक सका। सेरेन ने चूहे की बेचैनी को देखा और फैसला किया कि अब सबक सीखने का समय आ गया है। निबल, उसने धीरे से कहा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं चिंतित हूँ, निबल ने स्वीकार किया। क्या हुआ अगर कुछ गलत हो गया? क्या हुआ अगर मुझे वो जामुन कभी नहीं मिले? सेरेन ने धीरे से मुस्कुराया। निबल, तुम्हें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करने से तुम केवल गलतियां ही करोगे। प्रक्रिया पर भरोसा करो और तुम पाओगे कि अक्सर चीजें वैसी ही होती है जैसी होनी चाहिए। निबल ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव उस पर हावी हो गया। वह अपना वजन इधर उधर करने लगा, यह देखने की कोशिश कर रहा था कि किनारे तक पहुंचने का कोई तेज रास्ता है या नहीं। बेचैनी में वह अचानक फिसल गया और सेरेन की पीठ से नीचे गिर गया और नीचे ठंडे पानी में गिर गया। निबल को घबराहट होने लगी, वह छींटे मार रहा था और संघर्ष कर रहा था, उसके छोटे पैर बेतहाशा लात मार रहे थे। हालांकि सेरेन शांत रही, उसने अपनी गर्दन नीचे की और धीरे से अपनी चोंच से चूहे को उठाया, उसे वापस अपनी पीठ पर रख लिया। देखो निबल, सेरेन ने कहा, उसकी आवाज दयालु लेकिन दृढ़ थी, जब आप अपने दिमाग को भटकने देते हैं और अपने डर के आगे झुक जाते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं। आपको धैर्य रखना सीखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि आपको सही दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। भीगा हुआ और कांपता हुआ निबल आखिरकार समझ गया। उसने सिर हिलाया, इस बार ऐसी गंभीरता के साथ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह पूरी तरह से स्थिर रहा जबकि सेरेन झील के उस पार सरकती रही। जब वे आखिरकार दूसरी तरफ पहुंचे तो सेरेन ने एक बार फिर अपना पंख नीचे किया जिससे निबल नीचे उतर सका। चूहा सिर्फ सवारी के लिए ही नहीं बल्कि जो सबक उसने सीखा था उसके लिए भी आभारी था। धन्यवाद सेरेन, निबल ने कहा, उसकी आवाज में ईमानदारी थी। तुमने मुझे जो सिखाया है मैं उसे याद रखूंगा। सेरेन ने सिर हिलाया इस बात से प्रसन्न होकर कि चूहा आखिरकार समझ गया था। बुद्धि निबल सिर्फ चीजों को जानने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि आप जो जानते हैं उसे सही तरीके से कैसे लागू करें। धैर्य रखें, शांत रहें और यात्रा पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर सेरेन मुड़ा और झील के उस पार वापस चला गया और निबल को उसके जामुनों के पास छोड़ दिया। जैसे ही निबल अपने भोजन का आनंद लेने के लिए बैठा उसने हंस के शब्दों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि कभी कभी चतुर होने का मतलब तेज होना या शॉर्टकट लेना नहीं होता है, यह सावधानी से सोचने और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर भरोसा करने के बारे में है। उस दिन से निबल ने कम जल्दबाजी और अधिक विचारशील होने की कोशिश की, और हालांकि वह अभी भी समय समय पर मुसीबत में पड़ जाता था लेकिन उसे हमेशा चतुर हंस की सलाह याद रहती थी। आखिरकार जंगल चुनौतियों से भरा था लेकिन थोड़ी समझदारी से एक मूर्ख चूहा भी अपना रास्ता खोज सकता था।